हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखता है, राजा टेक्सटाइल्स कंपनी विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च परचेज द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹50,000। 1 अप्रैल 16 को वो 50,000 का मशीन खरीदा। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2017 इट परचेज एडिशनल मशीन फॉर ₹30,000। फिर लिखता है, द पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 कॉस्टिंग 10,000 वो सोल्ड फॉर ₹36,000। अब इसको समझो, लिखता क्या है कि अ पार्ट ऑफ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016। तो देखो 1 अप्रैल 2016 को हम लोग 50,000 का खरीदे थे, इसमें से 10,000 वाला पार्ट जो है हम लोग सेल कर दिए 3600 में 30 सितंबर 2019 को। आपको मशीन अकाउंट 4 साल का बनाने बोला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो यहां ध्यान देने लायक बात सिर्फ यही है कि जो पहला मशीन खरीदे थे 50,000 में, उसमें से 10,000 का पार्ट हम लोग सेल कर दिए। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें पूरा मशीन बेच देते थे, यहां उसका पार्ट बेचे। तो सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। वर्किंग में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखो सबसे पहले एक मशीन खरीदें 50,000 का, खरीदें 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल 2016 को हम लोग परचेज किए M1। इसको इस तरह से लिख लेना, M1 का दो पार्ट कर लो, एक 10,000 का और एक 40,000 का, क्योंकि 10,000 का पार्ट सेल कर दिए और 40,000 का पार्ट सेल नहीं किए, तो इसको अलग एक मशीन की तरह ट्रीट करेंगे। जो बेचे उसको अलग कर लो और जो नहीं बेचे उसको अलग कर लो, ठीक है। फिर इस साल कुछ नहीं हुआ तो हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे 10% पर एनम। तो 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन देंगे, इस पे पूरा साल बीत गया, इस पे 1,000, इस पे 4,000, तो ये आ गया 9,000 और ये हो गया 36,000। ये आ गया 1 अप्रैल 17 को, ठीक है। अब इस साल देखो एक और मशीन खरीदें 1 अक्टूबर 17 को, तो 1 अक्टूबर 17 को एक और मशीन खरीदें, तो परचेज किए M2 और M2 खरीदे हम लोग 30,000 का, ठीक है। फिर साल खत्म हो गया 31 मार्च 18 को, तो 31 मार्च 18 को इस पे डेप्रिसिएशन देंगे 900, इस पे देंगे 3600 और इस पे देंगे 6 महीने का 1500। तो ये आ गया 8100, ये आ गया 32,400 और ये 28,500, ठीक है। ये आ गया 1 अप्रैल 18 को। फिर इस साल कुछ नहीं हुआ तो फिर तीनों पे हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे, तो 31 मार्च 19 को इस पे डेप्रिसिएशन देंगे 810, इस पे 3240, इस पे 2850, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से देना है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये हम लोग का 1 अप्रैल 19 का तीनों का बैलेंस निकल गया। अब यहां देखो 30 सितंबर 19 को पहला वाला मशीन का जो 10,000 वाला पार्ट था उसको सेल कर दिए, तो 30 सितंबर 19 को पहले डेप्रिसिएशन देंगे इस मशीन पे 6 महीने का, जो ये 10,000 वाला पार्ट बेच रहे हैं, तो आएगा 364.5, 6 महीने का आएगा 364.5, पॉइंट में आएगा तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको 365 कर लेते हैं, तो ये आ गया 6925। इसको हम लोग बेच दिए हैं 3600 में, तो ये हम लोग का लॉस आ गया 3325 का, ये जो पार्ट बेचे हैं उसका लॉस निकल गया। अब साल खत्म होगा 31 मार्च 20 को, और कोई नया मशीन खरीदे वगैरह नहीं है, तो अब इस दोनों पे डेप्रिसिएशन देंगे जो बचा हुआ है, तो इसका आएगा 2916 और इसका आएगा 2565। अब दोनों को घटा लेंगे तो ये हम लोग का बैलेंस आ गया 26244 और 23085, जोड़ के आएगा 49329, यही आंसर है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि एक पार्ट जब बेचेंगे तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे और जो नहीं बेचे उसको अलग कर लेंगे। तो मशीन वन का एक 10,000 का पार्ट सेल किए थे, तो उसको एक अलग मशीन की तरह ट्रीट करो, बाकी को अलग रखो। और सिर्फ वर्किंग में ये काम है, अकाउंट में कोई खास बात नहीं होता है, जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले देखो हम लोग 1 अप्रैल 2016 को परचेज किए, तो हम लोग वर्किंग में अलग अलग करते हैं, अकाउंट में अलग अलग नहीं करते, दोनों को जोड़ के 50,000 एक बार में लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैंक 50,000, 1 अप्रैल 16 को परचेज किए तो टू बैंक 50,000। उसके बाद देखो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन है, दोनों डेप्रिसिएशन जोड़ के लिख देंगे,
तो 31 मार्च 17 को हो गया बाई डेप्रिसिएशन, अब साल खत्म हो गया, टोटल करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस सी डी आया 45,000, यही हो गया बैलेंस बी डी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट ईयर एक और मशीन खरीदें 1 अक्टूबर 17 को 30,000 का, तो 1 अक्टूबर 17 को लिखेंगे टू बैंक 30,000, उसके बाद 31 मार्च को हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे और कुछ नहीं है इस साल। देखो यहाँ डेप्रिसिएशन है, तीनों जोड़ के लिखेंगे, तीनों जोड़ के आया 6,000, लिख दिए बाई डेप्रिसिएशन 6,000, फिर साल खत्म हो गया, टोटल करेंगे, बैलेंस कर देंगे, बैलेंस आ गया 69,000। अब देखो इसके बाद 31 मार्च 19 को सीधे डेप्रिसिएशन है और इस साल कुछ नहीं हुआ, तो फिर तीनों डेप्रिसिएशन जोड़ के यहाँ लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन, तीनों जोड़ के आया 6,900, अब बैलेंस कर देंगे, बैलेंस आ गया 62,100। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ हम पहुँच गए, तीनों को जोड़ेंगे तो 62,100 आ जाएगा। अब देखो 30 सितंबर 19 को सेल कर रहे हैं, तो पहले डेप्रिसिएशन है 365, इसको यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, तो लिख दिए बाई डेप्रिसिएशन 365। अब इसको सेल किए तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, बेचे हैं 3600 में, फिर लॉस हुआ, तो लॉस होने पे लिखते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होता तो इधर लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3325। उसके बाद और कुछ नहीं है, फिर साल खत्म हुआ, फिर डेप्रिसिएशन है, तो फिर 31 मार्च 20 को फिर बचे हुए मशीन्स पे डेप्रिसिएशन दिए, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे 2916 और 2565 आएगा 5481, और अब इसको टोटल करके बैलेंस कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो इधर 62,100 माइनस करेंगे चारों जोड़ के, तो आएगा 16929, ये आ गया बैलेंस सीडी, और यही फिर हो जाएगा बैलेंस बीडी, और यही हमारा आंसर होगा। तो आज इतना रहने देते हैं, इसको आप बढ़िया से बनाइएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।